कुछ चीज़ें सोसाइटी में इतनी बेकार रहती हैं, इतनी बेकार रहती हैं कि उन चीज़ों का लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उन चीज़ों पर लोग हंसने लगते हैं ताकि मजाक उड़ाने से वो गलत चीज़ें बदल सकें, सोसाइटी में बदलाव आ सके, ताकि लोग उन बुरी चीज़ों को सोसाइटी से हटा सकें। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह। और इसी मजाक उड़ाने को बोलते हैं सटायर। लेकिन सिर्फ सटायर नहीं, बल्कि हम आज के इस वीडियो में ऑगस्टिन वर्स सटायर को डिस्कस करने वाले हैं। लिरिक्स, सोनेट, एलिजी, ओड, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग सब पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ऑगस्टन, वर्स और सटायर। अब ऑगस्टन क्या है गाइस? ऑगस्टन एक एज थी, एक टाइम पीरियड था। ऑगस्टन एज की शुरुआत 1700 से मानी जाती है और 1750 में ये ऑगस्टन एज ख़त्म हो गई। 18th सेंचुरी की इस ऑगस्टन एज को एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ एनलाइटनमेंट और न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। अब न्यू क्लासिकल एज क्यों बोला जाता है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एज ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ रीज़न क्यों बोला जाता है ऑगस्टन एज को, फिलहाल वो जान लो। एज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि ऐसी एज जिसमें ज्ञान का उदय हो। एनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान का उदय होना। ऑगस्टन एज में लोगों के अंदर समझदारी आ गई थी, लोग लॉजिक के बेसिस पर चीज़ें देखने लगे थे, लोगों के ज्ञान का उदय हुआ था, लोगों का दिमाग खुला था, इसीलिए इस एज को एनलाइटनमेंट एज भी बोला जाता है। एज ऑफ रीज़न इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लोग जितनी भी चीज़ें हो रही थी या कुछ भी होता था तो उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते थे, इसीलिए इस एज को एज ऑफ रीज़न भी कहा गया। अब बात यह है कि इस एज को ऑगस्टन एज ही क्यों कहा गया? अब इसका आंसर ये है कि जो उस टाइम यानी कि ऑगस्टन एज के टाइम पीरियड में जो सबसे बड़े राइटर थे एलेक्जेंडर पोप, उन्होंने बड़े बड़े फेमस फेमस लैटिन पोइट्स को कॉपी किया, जैसे कि होरेस, वर्जिल एंड ओविड। एलेक्जेंडर पोप ने होरेस, वर्जिल और ओविड के वर्क्स को कॉपी किया और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब ये जो होरेस, वर्जिल एंड ओविड थे, ये एलेक्जेंडर पोप के टाइम के नहीं थे, बल्कि ये बहुत पुराने लैटिन पोइट्स थे रोम के। और ये लैटिन पोइट्स जिस टाइम के पोइट्स थे, उस टाइम के रोम के एम्परर ऑगस्ट थे। तो इसीलिए जब 18th सेंचुरी में एलेक्जेंडर पोप ने होरेस, वर्जिल और ओविड को कॉपी किया, तो इस एज का नाम पड़ गया ऑगस्टन एज। इस एज का नाम पड़ा है बहुत पुराने रोमन एम्परर ऑगस्ट के नाम पर। एलेक्जेंडर पोप ने पुराने टाइम के क्लासिकल लिटरेचर को कॉपी किया और उसे ट्रांसलेट करके नया बनाया, इसीलिए इसे न्यू क्लासिकल एज भी बोला जाता है। न्यू का मतलब है न्यू, तो ऐसी एज जिसमें क्लासिकल लिटरेचर को नया किया गया हो तो उसे बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज। जब ऑगस्टन एज स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर ब्रिटेन की क्वीन बनी थी एन। सो गाइस, ऑगस्टन टर्म आपको समझ आ गया होगा। अब ये वर्स क्या है गाइस? वर्स पोयम को कहते हैं। अब समझते हैं सटायर का मतलब। सटायर लिटरेचर का एक फॉर्म है, एक टाइप है, जिसमें सोसाइटी की गलत चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके। इसमें सोसाइटी की बुराइयों, बेवकूफ़ियों और कमियों का मजाक उड़ाया जाता है ताकि उन चीज़ों को चेंज किया जा सके। लेकिन सिर्फ सोसाइटी की गलत चीज़ों का ही मजाक नहीं उड़ाया जाता है, बल्कि इंसानों का भी मजाक उड़ाया जाता है सटायर में। जैसे कि अगर कोई राइटर है, उसे कोई बंदा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, राइटर उस बंदे से नफरत करता है, उसके तौर तरीके उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो राइटर उस पर्टिकुलर इंसान का मजाक उड़ा सकता है अपनी राइटिंग में, उसे ही सटायर बोलते हैं। तो चीज़ों पर और इंसानों पर भी सटायर लिखे जाते हैं। तो गाइस, अब समझते हैं ऑगस्टन वर्स सटायर का कंप्लीट मीनिंग। ऑगस्टन एज में पोएम्स के फॉर्म में लिखे जाने वाले सटायर्स को ऑगस्टन वर्स सटायर कहते हैं। एक्चुअली गाइस, सटायर कई फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि ए से और भी फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, लेकिन ऑगस्टन एज में जो जो सटायर्स वर्स में यानी कि पोएम के फॉर्म में लिखे गए, वो है हमारे ऑगस्टन वर्स सटायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑगस्टन एज के राइटर्स ज़्यादातर सटायर लिखते थे। सटायर ऑगस्टन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। हालांकि और भी चीज़ें थीं, और भी फॉर्म्स थे ऑगस्टन एज में जो पॉपुलर हुए थे, जैसे कि नॉवल, एसे, लेकिन हमें इस वीडियो में सिर्फ सटायर के बारे में ही बात करनी है। एक्चुअली गाइस, ऑगस्टन एज में प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग हो रही थी, राइटर्स अपने वर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा छपवा रहे थे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ रहे थे। देखिए गाइस, हर समय में सोसाइटी में कुछ ना कुछ खराब चीज़ें होती हैं, उस टाइम पीरियड में भी होंगी ही।
इसलिए सटायरिस्ट नहीं, बदलाव लाने के लिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए सटायर्स लिखे। अब गाइस सटायर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सटायर का टाइप इस ऑगस्टन एज में सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था मॉक एपिक। मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना और एपिक का मतलब है एक बहुत ही लंबी सी पोयम जिसमें बहुत ज्यादा बहादुरी वाली गाथाएं सुनाई जाती हैं। बहुत ज्यादा ग्रैंड स्टाइल और लैंग्वेज को यूज किया जाता है एपिक में। तो गाइस मॉक एपिक लंबी सी पोयम होती है जिसमें चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई छोटी सी चीज का भी मजाक उड़ाना होता है तो मॉक एपिक में उस छोटी सी चीज को बहुत ग्रैंड स्टाइल में, एपिक के स्टाइल में मजाक उड़ाया जाता है। सबसे पॉपुलर मॉक एपिक मानी जाती है जॉन ड्राइडन की मैकफ्लेक्नो। लेकिन ये मॉक एपिक मैकफ्लेक्नो ऑगस्टन एज में नहीं लिखी गई है, ये मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैकफ्लेक्नो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉक एपिक है। मैकफ्लेक्नो ड्राइडन ने 1676 में लिखी थी और इस मॉक एपिक में ड्राइडन ने एक पॉइट थॉमस शेडवेल का बुरी तरह मजाक उड़ाया है। ये एक पर्सनल सटायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसानों पर भी सटायर लिखे जाते हैं। अब आते हैं ऑगस्टन एज के पॉपुलर सटायरिस्ट पर। सटायरिस्ट यानी कि जो सटायर्स लिखते हैं, ऑगस्टन एज के सटायरिस्ट में सबसे बड़ा नाम है अलेक्जेंडर पोप का। इनका मास्टरपीस सटायर है द रेप ऑफ द लॉक, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है जो कि 1712 में पब्लिश हुआ था। अलेक्जेंडर पोप की ये ऑगस्टन वर्स सटायर द रेप ऑफ द लॉक एक सोशल सटायर था। सोशल सटायर इसलिए है क्योंकि इसमें एक सोशल इशू के ऊपर सटायर किया गया है। अब इस मास्टरपीस द रेप ऑफ द लॉक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। इस पोयम का मेन टारगेट था एरिस्टोक्रेट्स का फैशनेबल बिहेवियर। अब ये एरिस्टोक्रेट्स क्या है? एरिस्टोक्रेट्स यानी कि हाई क्लास, अपर क्लास लोग, जिनके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम होता है, बहुत शोहरत होती है, जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन्हें बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। तो गाइस द रेप ऑफ द लॉक में हाई क्लास लोगों के बनावटी बिहेवियर का मजाक उड़ाया गया है, उनके फैशन का मजाक उड़ाया गया है। पोएम की स्टार्टिंग में पोप हमारा ध्यान उन हाई क्लास फैमिली की लेडीज पर डालते हैं जो हद से ज्यादा आलसी होती हैं, लेकिन जानवर पालने का उनको बहुत ज्यादा शौक होता है। पोप का कहना है कि हाई क्लास लेडीज इतनी घमंडी होती हैं कि क्या बताएं, ये घमंड तो ऐसे दिखाती हैं कि जैसे लगता है कि ये सबका खर्चा चला दे रही हूँ। ये लेडीज पैसों के लिए बहुत ज्यादा मरती हैं, पैसा ही इनके लिए सब कुछ होता है। पैसे की बात आए तो ये लेडीज किसी को भी धोखा देने या किसी से भी प्यार करने लग जाती। इनका मेन गोल होता है कि बस किसी पैसे वाले, किसी अमीर से इनकी शादी हो जाए। इन हाई क्लास लेडीज का फालतू का घमंड और उनका फ्लर्ट करने वाला बिहेवियर पोप की सबसे बड़ी चिंता है इस पोयम में। पोप कहते हैं ये लेडीज अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में ही सीख जाती हैं कि कैसे फ्लर्ट करके शर्माना है, कैसे झूठा इश्क लड़ाना है अपने फायदे के लिए। इन हाई क्लास लेडीज की चाहत बदलती रहती है इनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग। इन लेडीज का प्यार एक इंसान से दूसरे इंसान पर कब शिफ्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इन हाई क्लास लेडीज़ के मेकअप का भी पोप ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। इस पोयम में ड्रेसिंग टेबल का एक सीन है जिसमें लड़की तैयार होने से पहले दुनिया भर का सामान इकट्ठा करती है, जैसे कि पाउडर, परफ्यूम, ज्वेलरी, पिंस, जेम, मेकअप का सामान वगैरह वगैरह। इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके तैयार होती हैं और खुद पर घमंड करती हैं, खुद के लुक्स पर घमंड करती हैं। इनके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी, कोई इमोशंस, कोई प्योरिटी नहीं होती। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तैयार होना और हाँ, पैसा। ये दो चीज़ें इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अलेक्जेंडर पोप ने एक सटायर और लिखा है द डंसियाट। ये भी एक वर्स सटायर है। ये पोयम थ्री डिफरेंट वर्जन्स में पब्लिश हुई 1728 से 1743 तक। अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस वर्क था एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि 1711 में पब्लिश हुआ। ये भी एक पोयम थी। फिर इन सटायर्स को लिखने के बाद पोप ने लैटिन पोइट्स के वर्क्स को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। लैटिन पोइट होमर के वर्क इलियाड को इन्होंने 5 सालों में ट्रांसलेट किया। फिर इसके बाद पोप ने होमर के एक और वर्क, एक पोयम जिसका नाम ओडिसी है, उस पर काम करना स्टार्ट किया। होमर के इन दो वर्क्स पर काम करने से पोप इतने ज़्यादा रिच हो गए कि क्या बताएं। इतना पैसा आ गया था कि इन्होंने एक विला खरीद लिया। विला एक बहुत ही लैविश हाउस को बोलते हैं और उस विला का नाम इन्होंने रखा पोप्स विला। डॉक्टर जोनाथन स्विफ्ट भी एक बहुत ही फेमस ऑगस्टन एज के सटायरिस्ट थे। इनका फेमस सटायर है अ मॉडेस्ट प्रपोजल जो कि 1729 में पब्लिश हुआ, लेकिन ये वो सटायर नहीं था बल्कि ऐसे सटायर था। इन्होंने एक और सटायर लिखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, द बैटल ऑफ द बुक, जो कि 1704 में पब्लिश हुआ था। सैमुअल जॉनसन भी एक ऑगस्टन सटायरिस्ट थे। इन्होंने भी एक ऑगस्टन वर्स सटायर लिखा था लंडन, जो कि 1738 में पब्लिश हुई। हेनरी फील्डिंग भी काफ़ी फेमस सटायरिस्ट थे ऑगस्टन एज के। अब बात यह है कि ऑगस्टन एज ख़त्म कैसे हुई। गाइस ऑगस्टन एज अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट की डेथ से ख़त्म हुई।
अलेक्जेंडर पोप की डेथ हुई थी 1744 में और उसके बाद ही 1745 में जोनाथन स्विफ्ट की भी डेथ हो गई। इन दोनों की डेथ के बाद ये ऑगस्टन एज फिनिश हो गई। होपफुली गाइस वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।